नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी साक्षी। आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि पांचवें चरण की ओर बढ़ गए हैं। इंटरवल है और इंटरवल के दौरान हमारे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो कि अब मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, अपने रथ पर इस वक्त है। और मैं इनसे सबसे पहले शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ, अखिलेश जी, इंटरवल में हम हैं, आपके हिसाब से क्या स्कोर है पहले चरण का? और मैं चरणबद्ध तरीके से जानना चाहती हूँ, अगर हम पहले चरण के जो है 58 सीटों की बात करें, फिर 55 की बात करें, 59, 60, तो आप बताएं। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ हर ज़िले में जाकर के प्रचार भी किया है, और जो समर्थन मिला है पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को, पहले दूसरे चरण में ही जनता ने शतक लगा दिया है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में। मैं पहला चुनाव ऐसा देख रहा हूँ जहाँ जनता खुद ये महसूस कर रही है और मुकाबले में है कि पिछले चरण से ज़्यादा चरण में कैसे जिताएं, और उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है कि पहले दूसरे चरण में शतक लग गया है। 113 में से 100 बता रहे हैं। बिल्कुल, जो शुरुआती जो दो चरण थे उसमें ही शतक लग गया, क्योंकि इतना जन समर्थन शायद मैंने अपने इतने बड़े पॉलिटिकल कैरियर में नहीं देखा जो मैंने दो चरणों में देखा। और अगले दो चरण, क्योंकि तीसरे में मैंने खुद अपना वोट डाला है और चौथे में भी राजधानी का वोट पड़ना था, जब वोट खुलेंगे तो आप देखेंगे पहले दूसरे तीसरे चौथे में डबल सेंचुरी गठबंधन लगा चुका है। और इसीलिए आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के स्टेटमेंट घटिया आ रहे हैं, वो किस सीमा पर चले गए हैं। आज उन्हें बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, उन्हें महंगाई पे बात करनी चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए कि उन्होंने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी का, अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। ये तमाम सवाल है जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बहस नहीं करना चाहते हैं। वो जानबूझ करके कुछ ऐसे मुद्दे जो बुनियादी समस्याओं से नहीं जुड़े उनको उठाना चाहते, जैसे यूँ कहें कि साइकिल की बात कहाँ से आ गई, या हम इस तरह कहें कि जब भी सरकार घिर जाती है तो आतंकवाद उनका सबसे फेवरेट वर्ड है, वो आतंकवाद की तरफ ले जाते हैं, या जो नकारात्मक राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, जो राजनीति दूरियां बढ़ाती है, उस तरफ उनकी कोशिश होती है ले जाने की। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता इनकी हर चाल को समझे हैं, जिस तरीके से इनके विधायक कूटे गए हैं, दौड़ाए गए हैं, कई एक दो सांसदों को विरोध का जनता के सामने सामना करना पड़ा, सांसद इनके पीटे गए, अभी एक विधायक उठक बैठक लगा रहा है कान पकड़ करके, एक विधायक ज़मीन पर लेट करके दंडवत होकर के माफ़ी मांग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें वो बता रही है कि जनता इनसे नाराज़ है, जनता में आक्रोश है, जनता इस बार इनका तिरस्कार करेगी। और इन्होंने 5 साल जनता को धोखा भी दिया है, उसी का परिणाम यह कि आज दिखाई दे रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। आपने ये कहा कि मतलब इन लोगों को इन सारे मुद्दों के लेके इनके ऊपर वोट नहीं होगा, 7 चरणों में हम जा रहे हैं, तो 7 कारण आपको क्या लगता है कि लोग 5 साल के इस कार्यकाल को मोदी योगी को हटाकर आपको चुनना चाहेंगे? जो किसान है उसने ये देखा कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, खाद लेने गया तो खाद महंगी मिली, DAP महंगी मिली, और समय पर उनकी खरीद नहीं हुई, धान में लूट हो गई, गन्ने का भुगतान अभी भी बकाया है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देना है। इन्होंने बड़े बड़े इवेंट किए, आयोजन किए, आयोजन किए, रोक लेना, आयोजन किए नौकरी को लेकर के कि उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट मीट की जिसमें प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए। लेकिन आज हम 5 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट यूपी में नहीं आया। डिफेंस एक्सपो के सामने इन्होंने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे, हम तोप बनाएंगे, हम गोला बनाएंगे, लेकिन चुनाव आ गया, ना तोप मिल रही है, ना मिसाइल दिखाई दे रही है, ना गोले दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ कितने दिन तक टिक सकता है ये सबसे बड़ा सवाल है। डेमोक्रेसी में जो लोग झूठ बोलेंगे उसके खिलाफ जनता खड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं कि लगातार इस रथ में मैं इनके साथ
सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रथ में इनके साथ सवार हूँ और मैं देख रही हूँ कि इसी तरह से शुरू से लेकर अंत तक लोगों का काफिला इनके साथ चल रहा है, बीच बीच में वो भेंट भी दे रहे हैं। तो इस वक्त जब उन्होंने रथ को रोकने को कहा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक कोई शख्स साइकिल देना चाह रहे थे और ये साइकिल इसी तरह से कई और लोगों ने भी इनको साइकिल दिया, वही साइकिल है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि साइकिल पर बम लगाकर और इस तरह से आतंकवादी जो है वहाँ पर बम फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि साइकिल जो है वो गरीब का सिंबल है साइकिल, और हमारी साइकिल जो है वो क्या क्या नहीं करती है वो आप देख सकते हैं, इस देश का अपमान है अगर साइकिल का अपमान है तो यहाँ पर उन्होंने अभी वो साइकिल को लिया है। भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, कुछ लोग राधा कृष्ण की तस्वीर भी भेंट कर रहे हैं, वो भी आ रही है, तो बीच बीच में रुककर वो लोगों से सारी चीज़ें ले लेते हैं। किसानों का जिक्र आपने किया, कुछ जो ऐसी वेस्टर्न यूपी की जो कुछ सीटें थी जैसे कि बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, इन सब जगहों पे हमने देखा है कि 2017 की तुलना में इस बार जो वोटिंग हुई है वो ज़्यादा हुई है, और ये वही जगह है जहाँ पर पिछली बार आपका प्रदर्शन थोड़ा ख़राब था, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जो ज़्यादा वोटिंग? मैं समझता हूँ इस बार जिस तरीके से किसानों का समर्थन मिला है, किसान नौजवान जो बेरोजगारी की वजह से बैठा है और जो गठबंधन आरएलडी के साथ हुआ है उसकी वजह से किसान नौजवान एक होकर के वोट डाला है। जिन जिलों के आपने नाम लिए हैं उन जिलों में इस बार भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है, मुजफ्फरनगर शामली शून्य है भारतीय जनता पार्टी, बागपत में शून्य हो जाएगी, हापुड़ में शून्य है। तो इस तरह जो जनता का समर्थन रहा, और कोरोना के समय उद्योगपति व्यापारी उन्होंने देखा कि पहले तो इन्होंने उनको मारा नोटबंदी से, उसके बाद GST से, और उसके बाद कोरोना आ गया तो उस समय उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी वो भी मदद नहीं की है। योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ जितने मुकदमे थे उन्होंने रद्द कर दिए थे, इस पर आपका क्या रुख रहेगा? अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं उन मुकदमों का क्या होगा? ये बाबा मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, न केवल अपने लिए डिप्टी CM के भी मुकदमे वापस लिए हैं, और अगर कोई जनता में आता है और कहता है कि उसको आपत्ति है इस पर क्योंकि अंतोगत्वा कोर्ट को वापस लेना है, मुझे जानकारी है या कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे थे, कई मुकदमे अभी कोर्ट ने पूरी तरीके से वापस नहीं लिए हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी ने जो अपने मुकदमे वापस लिए हैं सरकार तो ले सकती है लेकिन अंतोगत्वा कोर्ट देखेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट उनको क्लीन चिट देगी उसमें, इसको आप कोर्ट पर छोड़ेंगे? कोर्ट क्लीन चिट देगी, अगर कोई जनता में जिसको आपत्ति होगी अगर वो दरखास्त देगा तो पुनः विचार करूंगा मैं। जब वो आवास में गए थे सबसे पहली बार उन्होंने पूरा एकदम शुद्धिकरण कर दिया था, गंगा जल छिड़क दिया था, आप जाएंगे अगर तो आप क्या करने वाले हैं सबसे पहला काम? क्योंकि मैं उस तरह का व्यवहार हमारा नहीं है, पता नहीं योगी होकर के ये किसने ज्ञान दिया कि आप गंगा जल से उसको साफ करोगे तो पवित्र हो जाएगा। मैंने जो कुछ पढ़ा है और जाना है, रुकना वकील लोग हैं, रुक जाओ भाई। योगी सरकार के ऊपर एक आरोप ये लगता रहा है जिसको ठोको की राजनीति कहा जाता है कि उन्होंने कई ऐसे एनकाउंटर करवाए, निर्दोष लोगों को मरवा दिया अपनी पॉलिसी से, इस तरह के आरोप लगते हैं, और कई ऐसे पुलिस वालों को इनाम भी दिया है, कई ऐसे पुलिस वालों को इनाम भी दिया उन्होंने। आपकी अगर सरकार बनती है तो आप इस पर क्या रुख रखेंगे? देखिए, इस सरकार का जो काम करने का तरीका रहा कि जिस सरकार के मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि ठोको, तो पुलिस के हाथ में अगर इतना दे दोगे पावर तो वो मन मर्जी करेगी। इन्होंने वसूली के लिए लोगों की जान ले ली, हिरासत में जान ले ली, हाथरस की बेटी की घटना सबने देखी जिसमें प्रशासन और सरकार मिलकर के उस बेटी को न न्याय मिला और उसके परिवार के लोग दाह संस्कार अपनी मर्जी से कराना चाहते थे, हिंदू परंपराओं के साथ करना चाहते थे, उसमें भी उनके परिवार का सम्मान नहीं हुआ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में एक व्यापारी आया, उसको वसूली के लिए पुलिस ने मारा, उसकी जान चली गई। लखनऊ में इसी तरह देखा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला तिवारी, उसको पुलिस ने गोली मार दी। तो आज अगर हम देखें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे ज़्यादा नोटिस सरकार के ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ में नंबर वन UP है, जो फेक इनकाउंटर्स हैं उसमें UP नंबर वन है,
महिलाओं पे अपराध और महिलाओं की जो शिकायतें हैं महिला आयोग में हुई हैं दिल्ली में, अगर देश में सबसे ज़्यादा कहीं हुई हैं तो 50% शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। तो ये सरकार जो ये दावा करती है कानून व्यवस्था के लेकर के, ये केवल झूठ बोल रहे हैं, केवल इनका सहारा कई मीडिया हाउसेस दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया सही तस्वीर नहीं देना चाहता है। उदाहरण के लिए एक आईपीएस फरार है लेकिन अभी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक माफिया जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, वो क्रिकेट खेल रहा है, पुलिस कप्तान उसके लिए पिच बना रहा है। सुनने में आया है कि उसकी कुछ धाराएं कम कर दी जांच कर करके, आज वो वोट मांग रहा है। तो ये सरकार सेलेक्टिव काम करती है, जाति विशेष को लेकर के उनके लिए आज़ादी है, जाति विशेष अन्याय कुछ भी करे, और उसका परिणाम आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खराब लॉ एंड ऑर्डर कहीं है तो यूपी में है। तो ये कौन सा दावा कर रहे हैं? मेरा इसमें सवाल ये था कि अगर आपकी सरकार आती है तो ये जितने लोग हैं जिनको कि इनाम दिया गया और इनके ऊपर आरोप हैं, तो आप कुछ करेंगे इस दिशा में उनको? स्वाभाविक है कि अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस सरकार को दी हैं तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने अन्याय किया उनके खिलाफ जांच होगी। मुझे याद है, जांच कराएंगे आप? जांच होगी। और मुझे याद है कासगंज में एक पुलिस के दरोगा ने एक पति को धमकी दे करके और पति को ये कहा कि तुम्हें जेल भेज देंगे, और उस पत्नी के साथ उसने संबंध बना लिए, बाद में उसके बेटा पैदा हुआ, हम लोगों को जानकारी हुई, लड़े उस केस के लिए, आज वो दरोगा जेल में है। तो ऐसे कई अन्याय जो पुलिस ने किए हैं, समय आएगी जहां पर ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिसेस दिए हैं, महिला आयोग ने नोटिसेस दिए हैं अधिकारियों को या सरकार को, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच होकर के उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई आप उस पर कराएंगे। लेकिन आपने जैसे कानून व्यवस्था के बारे में बोला कि ये लोग बोलते हैं इस चीज़ को, तो मैं भी घूम रही हूँ उत्तर प्रदेश में, आपके विरोधी तो इस बात को लेकर बोलते ही हैं कि आपके समय में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया था, कुछ लोग भी कहते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो इस वक्त हमको ज़्यादा दिख रही है, जो वोट करना चाहते हैं बीजेपी को वो इस बात को सामने रखते हैं। तो अखिलेश यादव जी, अगर आपकी सरकार बनती है, आप उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपकी सरकार में कानून का राज होगा, लोगों को इस तरह से गुंडा राज नहीं देखने को मिलेगा? मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ, जिन लोगों को कानून नहीं मानना है, जिनको लॉ के हिसाब से नहीं चलना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें कानून नहीं मानना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिस समय समाजवादी सरकार थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 1090 एक हेल्पलाइन शुरू की थी, और उसमें आज भी अगर आप डेटा देखेंगे तो उस समय 8 लाख से ज़्यादा बेटी महिलाओं की मदद हुई थी। और जो स्ट्रक्चरल चेंज था पुलिस में, रिस्पांस सिस्टम में, कि डायल 100 को इंट्रोड्यूस करना, पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दे देना, आने वाले समय में 1090 पावर वुमेन अगर हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी करेंगे। महिलाओं का मैंने कहा है कि पुलिस में और सरकारी नौकरी में आरक्षण बढ़ेगा, 33% आरक्षण होगा। वहीं मुझे अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा और महिलाओं की पूरी विंग अलग बनानी पड़ेगी, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो जो घटनाएं होती हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो राय देंगे, तो उनका मान करके कार्रवाई कराएंगे। आपके साथ ऊपर जाना है शायद अभी, पर मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। नहीं नहीं, यू कैन कंटिन्यू नो इश्यूज। अखिलेश जी, आपने अभी यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम का जिक्र किया, आपने 300 यूनिट बिजली का आपने जिक्र किया, लेकिन वहाँ पर जिक्र हो रहा है नमक का फ़र्ज अदायगी का, तो इस पर क्या? देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर के उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने समय समय पर मांग रखी है, और जिस समय मेरे सामने ये बात आई तो मैंने न केवल कर्मचारी संगठनों से बातचीत की, इसके साथ साथ जो वित्त विभाग में वरिष्ठ अधिकारी पहले से रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनसे मैंने राय ली। उसके बाद जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश का बजट देख करके उन्होंने जब राय दी, तो मैंने फैसला लिया कि हाँ, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। और जैसे ही उत्तर प्रदेश ने पुरानी पेंशन बहाल का फैसला लिया, आप देखिए राजस्थान में फैसला हो रहा है, सुनने में आ रहा है महाराष्ट्र में भी फैसला ले रहे हैं, क्योंकि ये कर्मचारी चाहते हैं,
और कर्मचारियों के हित में है, इसलिए समाजवादियों ने फैसला लिया है। पर कुछ लोग जैसे कि नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि एक माता का मैंने इंटरव्यू देखा, वो नमक के लिए कह रही थी कि नमक दिया है मोदी ने मुझे और मैं उसका गद्दारी नहीं कर। देखिए, बीजेपी से अच्छी स्टोरी कोई नहीं बनाता है। इसी प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, क्या उन सफाई कर्मचारियों के समाज का कोई जीवन में बदलाव आया है? मुझे याद है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी ने एक महिला के पैर छुए और ये कहानी बताई गई कि उस महिला ने, क्योंकि बकरी बेच करके शौचालय बनाया है, इसलिए मैं उस माँ का सम्मान कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि उस माँ से मिलूँ, जानकारी करूं, लेकिन जब तक मैं गया वो माँ मर चुकी थी। लेकिन जो उसके घर की बकरी बिकी थी, क्योंकि बकरी से घर परिवार चलता था, लेकिन उनके पास शौचालय तो बन गया, लेकिन घर परिवार में जो दूध और बकरी से जीवन यापन होता था वो बंद हो गया था। सबसे अच्छी स्क्रिप्टेड कहानी किससे कोई बनाता है तो भारतीय जनता पार्टी। आदित्यनाथ को आप बार बार बाबा बोलते हैं, बाबा क्यों बोलते हैं आप उनको? नहीं, वो बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो योगी तो है नहीं। बाबा कोई भी हो सकता है, जो वस्त्र पहन लेता है वो बाबा है। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो वस्त्र पहन कर रहते हैं। योगी वो इसलिए नहीं है क्योंकि योगी गीता में वो कहा गया है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोगों को तकलीफ, परेशानी और दुख देते हैं, तो ये योगी नहीं है, ये बाबा हैं। 10 मार्च के बाद एक बुलडोजर भी आ जाएगा और 10 मार्च के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। देखिए, बाबा मुख्यमंत्री ना आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है उसको नहीं समझते हैं। जहाँ तक सवाल आज के नौजवान हैं, वो नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, मैं क्या करूँगा ये सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव करने का फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश से बाबा जाने वाले हैं, बाबा जी वापस गोरखपुर पहुंचा दिए गए। ये वो हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने पहले ही पैदल पैदल कर दिया था, असली पैदल पैदल 10 मार्च को हो जाएंगे। मुझे आपसे एक बस वो पत्रकारों को लेकर, आपने मीडिया को लेकर एक बात कही थी, एक बात पूछनी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमने देखा कि कुछ पत्रकारों के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज कराए, FIR की, जेल तक भेज दिया, और एक तो पत्रकार को इतना पुलिस सक्रिय हो गई कि लखनऊ से सीधा दिल्ली आ गई, रात रात में पकड़ के ले गई। क्या अखिलेश यादव की अगर सरकार बनती है वो भी योगी के ही नक्शे कदमों पर चलेंगे? समाजवादी सरकार में हर वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा। जहाँ तक पत्रकारों की, उनकी एक अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। कई बार कोई भी मुकदमा नहीं होगा, जो झूठे मुकदमे भी लगे वो वापस होगा। मैं पिछली बार भी सरकार में था, अगर कोई पत्रकार कोई खबर छापता था तो उसको मैं जानकारी मानता था। लेकिन ये सरकार ऐसी है, अगर कोई सच्चाई ला दो सामने तो उसको बुरा मानते हैं, उस पत्रकार पर केस मुकदमे दर्ज करते हैं। सच लिखने वालों के खिलाफ आपकी सरकार में कुछ नहीं हो? हाँ, मुझे जहाँ तक मुझे याद है किसी ने भी कोई खबर सरकार के खिलाफ लिखी होगी तो कभी उस पर कार्रवाई इस तरह की नहीं की गई होगी। और मीडिया में हमने देखा कि पिछले दिनों आपने ईमानदार शब्द का बहुत इस्तेमाल किया, इतना किया कि एंकर चिढ़ गए और एक चैनल में जब आप गए तो आप बोलकर आए कि इस चैनल में मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मीडिया को लेकर कुछ तल्खी, कुछ नाराज़गी है आपके अंदर? मीडिया को लेकर इसलिए क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, और कई बार हम लोग देखते हैं जो बुनियादी सवाल हैं उन पर बहस नहीं करते हैं, वो एजेंडा सेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं से गवर्न होते हैं। जो सुविधा बीजेपी पे है कि जिस मुद्दे को वो हाईलाइट करना चाहें, जिस मुद्दे को किसी रूप में ट्विस्ट करना चाहें, ये प्रिविलेज अगर किसी पे तो बीजेपी पे है। वो इसलिए है क्योंकि सरकार उनके पास है, वो जानते हैं कि किसको कितना बजट देना है। अगर बजट आप देखेंगे तो उससे आपको पता लग सकता है कौन किसका फेवर कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। फिर प्रिविलेज आपको भी मिलेगी सरकार में? पहले भी मैंने काम किया, क्योंकि सरकार के काम जनता तक पहुँचे, जनता तक प्रचार हो उसका। वो माध्यमिक मीडिया हो सकता है, लेकिन वो अपने लिए प्रचार करने लगे, अपनी पॉलिटिकल स्वार्थ को हासिल करने के लिए बजट देने लगे, तो ये सवाल बड़ा है लोकतंत्र में। बस
वो अपराधियों पे जो आपने बात कही थी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या आप ये वादा करते हैं कि आपके मंत्रिमंडल में कोई भी आपराधिक छवि का व्यक्ति नहीं होगा और इंसाफ होगा, कानून का राज होगा, भले ही कोई शख्स आपकी पार्टी का क्यों ना हो? मैंने एक मौके पर यह भी कहा कि जिन लोगों को कानून अपने हाथ में लेना है और कानून के तहत नहीं चलना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि समाजवादी सरकार बनने पर कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का हमारे साथ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त देखिए प्रयागराज में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको जाते जाते एक बार आपको बस तस्वीरें दिखा देते हैं हम। यहाँ देखिए आप नज़ारा इस वक्त क्या है, दूर दूर तक वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ, जहाँ से शुरू हुआ था ये जो रथ शुरू हुआ था वहाँ से लेकर लगातार लोग हमारे साथ चलते गए। और ये देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये धीरे धीरे ये आप आगे तक जब कैमरा देखेंगे तो प्रयागराज की जनता यहाँ पर जो मौजूद है सिर्फ अखिलेश यादव को देखने के लिए, उनको हाथ हिलाकर वो स्वागत कर रहे हैं। रास्ते भर कोई ना कोई कुछ साइकिल दे रहे थे, राधा रानी की तस्वीरें दे रहे थे, बी आर अम्बेडकर की तस्वीर दे रहे थे, किसी ने तो अपने जो है छोटे भाई को ही कंधे पर बिठा रखा था, उनको फिर अखिलेश यादव ने रथ पर ले लिया और उस बच्चे को चॉकलेट दी। कई सारी महिलाएँ आ रही है, महिलाओं को उन्होंने रथ पर अपने साथ बिठा लिया ताकि उनको कुछ इस भीड़ में ना हो। तो इस वक्त हम प्रयाग यार्ड में अखिलेश यादव के पूरे जो दिन था वो हमने कवर किया है। कई सारी बातें हैं जो उन्होंने शायद यहाँ पर खुले तौर पर कही है। विश्वास दिला रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे सरकार में कानून का राज नहीं होता वो निश्चिंत रहे, हमारी अगर सरकार आएगी तो कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपराधिक छवि का होगा वो नहीं बख्शा जाएगा। और साथ ही पत्रकारों को डरने की जरूरत नहीं है, पत्रकारों पर कोई भी मुकदमे नहीं होंगे जैसे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार होते रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में और अपनी वीडियो जर्नलिस्ट अनन्या गुप्ता के साथ। साक्षी जोशी, देखते रहिए, यूपी साक्षी है।